Dude, I every time Saurabh comes in, just pushing it for each other. Thank you. He's too physical. Come bro, you're feeling left out bro. Come bro, come. I don't want to. Come yaar. No. Come, aaja. Go. I don't want. जी मेरे कैरेक्टर का नाम है ACP नंदिनी शुक्ला, एक पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी बैडएस काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर है, बट येट थोड़ी यू नो रियल स्पेस में है. शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर वर्क और बहुत सीरियसली लेती है अपने काम को और बहुत अच्छी है अपने काम को लेके, इसलिए एट अ वेरी यंग एज शी इज़ रीच्ड एन ACP लेवल. और उसकी लाइफ में या तो गलत चीज़ होती है तो सही चीज़ होती है, वो ग्रे वाले एरियाज़ नहीं होते उसकी लाइफ में. और उसे पता है कि वो एक एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में है, बट शी रियली डजंट केयर अ डैम. और वो बस अपने काम करने आई है यहाँ पे, उसको 7 घंटे में किसी तरह इस सिचुएशन को सॉल्व करना है और हॉस्टेजेस को बचाना है. तो किस तरह से वो करती है और क्या होता है, दैट्स व्हाट. मेरे कैरेक्टर का नाम है अर्जुन रानावत, वो एक पुलिस वाला है मुजफ्फरनगर से. तो वो मुंबई आता है अपनी फियांसे माया से मिलने, लेकिन किसी हादसे की वजह से क्या होता है कि वो जैसे कि कहते हैं कि कभी कभार एज ह्यूमन बीइंग्स हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है कि हम अपने आप के होश खो बैठते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं क्योंकि सिचुएशन की वजह से. तो कुछ किसी हादसे की वजह से वो हॉस्टेजेस ले लेता है, 7 हॉस्टेजेस, और फिर वो ACP नंदिनी शुक्ला को धमकी देता है कि इनके पास 7 घंटे हैं और इस कैरेक्टर के पास 7 हॉस्टेजेस हैं, तो इन्हें जो केस है 7 घंटों में सॉल्व करना, वरना हर एक घंटे वो एक एक हॉस्टेज को मारता जाता है. तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये करने वाला? चैलेंजिंग तो सॉरी क्या कह रहे हो, अच्छा चैलेंजिंग तो मेरे लिए काफ़ी मेरे लिए तो हर रोल चैलेंजिंग ही रहता है, क्योंकि मुझे सबसे पहली बात तो मुझे कभी कभार मुझे अपने पे डाउट काफ़ी होता रहता है कि यार मैं ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. बट चैलेंजिंग इन अ सेंस वॉज दैट कि कन्विंसिंगली एक आदमी का जो टेंशन और जो स्ट्रेस है वो इतने लेवल इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्ट्रेस इतना कन्विंसिंग होना चाहिए, क्योंकि कोई ये कोई ख़राब आदमी नहीं है, एक्चुअली आम इंसान है. लेकिन एक आम इंसान को अगर आप एक ऐसी प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे वो अपने होश खोकर मतलब इतनी गहराई तक जा सकता है कि वो हॉस्टेज ले, तो ये कन्विंसिंगली स्क्रीन पे दिखाना मतलब मेरी कोशिश रही है. तो दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट कि हाउ डू आई शो कि दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द स्क्रीन. ऑफकोर्स यार, आई थिंक अगर आपने एक्शन फिल्म की और आपको चोटें नहीं आई तो फिर आपने एक्शन फिल्म नहीं की है. तो सिर्फ शूटिंग के दौरान ही नहीं, मैंने ट्रेनिंग शूटिंग से पहले शुरू की थी, तो उसी दौर से मेरे को इंजरी शुरू हो गई थी. एंड ऑफकोर्स आई मीन एक्शन करते हैं तो चोटें आती है, बहुत चोटें आई हैं और ऑब्वियसली खून बहा है काफ़ी. एंड बहुत स्ट्रेनुअस रहा है पूरा एक्शन सीक्वेंस, बिकॉज हमने बॉम्बे की कड़ी धूप में समर में शूट किया है, तो हम ऑब्वियसली पूरे सनबर्न हो जाती थी मैं, और हार्नेस का काम था काफ़ी, तो हार्नेस बहुत अनकंफर्टेबल होती है. और या सो और प्लस मैंने मेरा जितना भी फाइट सीक्वेंसेस है वो सब मेल फाइटर्स के साथ है, और वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, तो काफ़ी बिकॉज उनके हाथ तो बिकॉज दे आर सो यूज टू फाइटिंग तो उनको तो नहीं लगती थी, बट मुझे हाथ पूरा मेरा हाथ सूज जाता था एंड यूज टू आई कीप आइसिंग इट. तो वैसे तो बहुत चोटें आई हैं, सबसे ज़्यादा चोट इनको दिल पे आई है, बहुत बड़ी चोट इनको दिल पे आई. एंड क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको आपके कैरेक्टर के लिए, कितना काम करा खुद के पास? ऑफ कोर्स बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया था, तो मेरे लिए तो आई हैड टू रियली रिसर्च अ लॉट, बिकॉज कॉप्स के बारे में मुझे मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, मेरी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई नहीं है पुलिस ऑफिसर्स, और तो ऑब्वियसली आई हैड टू अंडरस्टैंड उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे आर इन रियल लाइफ, हाउ डिफरेंट आर दे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल पीपल. तो उसके लिए आई स्पेंड टाइम विद एन एक्चुअल कॉप जो ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं ज्योति रहाने, उनके साथ मैंने 1.5 महीना स्पेंड किया उनके साथ, वीकेंड्स पे टाइम स्पेंड करती थी उनकी, वो फैमिली में वो अपनी फैमिली में कैसे रहते हैं, फिर जॉब पे कैसे होते हैं, तो स्पेंड टाइम जस्ट टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज अ लिटिल बिट,
नासिक गई जहाँ पे यू नो पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे कैसे यू नो एक्चुअल जो गन होती है उसको कैसे पकड़ते हैं, यू नो स्टांस कैसा होता है, उसको शूट कैसे करते हैं, वो सब सीखा. एंड ऑफ कोर्स एक्शन के लिए मिक्स मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की, जिमनास्टिक्स में ट्रेनिंग की, तो बहुत कुछ करना पड़ा. बहुत ही बुरा रहा है, ऐसे पूछिए मत उनको, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है. तो शिव जी कहते हैं कि ये फिल्म का रोल काफी शैतान जैसे मिलता जुलता है, तो क्या कहना है आपका? फिल्म का रोल शैतान से नहीं मिलता, लेकिन फिल्म का जो जॉनर है थोड़ा सा थ्रिलर और काफ़ी ग्रिटी किस्म की जो ये फिल्म है, थोड़ी शैतान से थोड़ी उस हिसाब से मिलती जुलती है. शैतान में बिजॉय नाम्बियर का आई थिंक इंडेवर ही यही था कि थोड़े रियलिस्टिक तरीके से और स्टाइलिश तरीके से ऑडियंसिस को एक फिल्म दिखाई जाए. आई थिंक सौरभ ने भी वही कोशिश की है कि मतलब सिचुएशनल गाने हैं इसमें, ऐसे नहीं कि मतलब सडनली सीन के बीच में कुछ कट होकर गाना शुरू हो रहा है. सिचुएशनल गाने हैं, सीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं और सीन के प्रति मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है वो सौरभ ने रखा है. आई डोंट थिंक सौरभ ने ट्रेड के परस्पेक्टिव से या कि मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस क्या चाहती है या सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस क्या चाहती है उस हिसाब से फिल्म बनाई है. बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म बनाई है और एक घंटे 1 hour 54 minutes की है, बहुत ही टाइट और क्रिस्प थ्रिलर है. आई जस्ट फील एंड आई होप कि जिन जिन लोगों ने मुझे शैतान में पसंद किया था और जो ग्रिटीनेस फिल्म की जो थी जिन लोगों को पसंद आई थी, आई थिंक उनको ये भी फिल्म पसंद आएगी क्योंकि इस फिल्म में भी वैसे ही लेवल का रियलिज्म है, वैसे ही लेवल की स्टाइलिश एडिटिंग है, वैसे ही लेवल का एक्शन है. इनफैक्ट आई वुड से इस फिल्म में शैतान आप शैतान 2.0 कह सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में जो एक्शन है वो शैतान से कहीं ज़्यादा बढ़ के है और शैतान के जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं वो भी इसी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर्स हैं, जावेद एजाज, और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट शूट किया है. एंड सम ऑफ द स्टंट्स इन दिस फिल्म विच बोथ नताशा एंड संदीपा हैव डन आर इनक्रेडिबल. जैसे कि नताशा ने आई थिंक एक 2 foot की ऊंचाई से कूदा है. नताशा ने एक्चुअली टेल देम व्हाट द जंप, ना नताशा ने 35 foot की ऊंचाई से दोनों ने, तुम दोनों ने, हां मैं, हां तुम, इन दोनों ने एक बहुत ही ऊंचाई से विदाउट हार्नेस जंप किया है. मेल एक्टर्स हैं जो यू नो डर गए थे जो इनके साथ जिन्हें करना था, लेकिन इन दोनों ने कर लिया. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द रीजन यू हैड टू जंप, प्लीज टेल अस व्हाई डिड यू जंप. आई कांट टेल यू द रीजन व्हाई आई जंप्ड, बट I actually enjoyed it and I love doing all these action things, so for me it was fun and without jumping without harness was just like cool. So easy, like action, jump. Natasha, तो मेरा कैरेक्टर का नाम माया है एंड आई एम प्लेइंग लव इंटरेस्ट ऑफ अर्जुन हु इज प्लेड बाई दिस गाय एंड दिस गाय शिव पंडित. Fine? Yeah, thanks. And this whole hostage thing actually happens because of me, begins and ends with me. And in the movie, by media, he's called Angry Arjun. So because I'm the calm one and I'm trying to bring this calm in his life. So this is about my character. So how was your experience? Kaisa experience raha karo? Experience was like very different because I have not done things like this and I really enjoyed as I said. So Natasha ji, log aapko keh rahe hai ki ye jo gana aaya hai tere naina usme aap Priyanka Chopra jaisi lag rahi hai, aapka kya kehna hai uska? Kuch nahi. Kya khush hai? I've actually heard it from the day one I came to India, so in the beginning it was really I don't think you look at all, even I don't think I look like, I think you look like Saurabh Verma, he's my twin actually. So Varun ji, bahut sari filmein aa rahi hain thriller, jaise Neerja aayi, Kahani aayi, ye aayi aur wo aayi, aur bahut actor ki tareef hoti hai, aap bahut chun chun ke filmein kar rahe hain, matlab aap kya, to aapka kya kehna hai, repeat whatever I said, use these films. जितने भी फिल्मों के नाम आपने लिए जैसे नीरजा, कहानी और भी एक ये और एक वो और बहुत सारे, मुझे लगता है आज के समय में ऑडियंसेस जो है वो पैसा वसूल पिक्चरें देखने में ज़्यादा बिलीव रखती हैं. एक ऐसी फिल्म जो कि आपको 2 घंटे में पूरी तरीके से सैशिएट करे और वो मादा इस पिक्चर में ज़रूर है. एक अच्छी फास्ट पेस पिक्चर है, शूट अच्छी हुई है, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर यह है कि हाँ वो 2 घंटे जो आप अपनी ज़िंदगी के निकालेंगे इस फिल्म को देखने के लिए वो आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म इन दैट सेंस. थैंक यू.
थैंक यू सो सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? ये फिल्म आ रही है 24 जून 2016 को. प्लीज इसका फिल्म इसके फिल्म का ट्रेलर देखिए, और अगर आपको फिल्म का ट्रेलर पसंद आए तो प्लीज 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 थिएटर जाइए अपनी पूरी फैमिली को लेकर. फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है, फैमिली थ्रिलर है. हाँ, फैमिली थ्रिलर है, उसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, सब कुछ है, एन एज ऑफ द सीट थ्रिल है. टेल एवरीवन टू कम एंड वॉच इट ऑन 24th ऑफ जून. व्हाई यू हैव टू टेल मी टू? ओह सॉरी सॉरी. एंड एक्शन. So please go and watch our movie 7 hours to go on 24th of this month. June bol na yaar. This month June. Just seriously. Seriously yaar. Seriously. Thank you. Sir, this month we want to go.